वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। परिमल अवीना, परिमल तुम्हारे हर दिन अगर कोई आदमी 24 घंटे टीवी देखे तो पास आउट वाला तुम्हारी शक्ल देख सकता है किसी भी रेजिमेंट में या किसी भी सीरियल में और किसी पिक्चर में भी। तो एक तो वो ग्लैमरस लाइफ और यहाँ दूसरी तरफ एक भीड़ में बैठना, तुम अपने ईगो को कैसे मेंटेन करते हैं? पहली बात तो यह है कि लोग मुझे यहाँ बहुत बड़ा एक्टर समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आज से 5 साल पहले व्हेन आई वाज 50 आई वाज फोर्स्ड टू बी एन एक्टर। ऐसा कुछ नहीं था कि बचपन का मेरा सपना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग जैसे कि आपको पता है पहले भी एक नेटवर्क मार्केटिंग करी, मेरा ट्रेडिशनली बिजनेस बहुत जबरदस्त हुआ करता था और आज से 15 साल पहले 2.5-3 लाख पर मंथ की इनकम कमाता था। नेटवर्क मार्केटिंग का है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत दबा के मेहनत भी किया, एमएल तक पहुंच गए और वहां से आधी बस उसके आजू बाजू की इनकम आती थी। और कहीं ना कहीं लगा कि हम दोनों लगे पड़े हैं, 8-10 साल निकल गए, कुछ तो गड़बड़ है। और तब तक तो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस अफेक्ट हो गया था क्योंकि हम तो नशे में थे ना, लगे पड़े थे वहां पे, तो ट्रेडिशनल बिजनेस अफेक्ट हो गया, कहीं ना कहीं हमको वो बंद करना पड़ा। बट मुंबई ऐसी सिटी में क्या आप 1.25 लाख रुपए की इनकम से चल सकते? सो आई वॉज इक्वल लुकिंग फॉर अगेन 5 ईयर्स बैक। और ऐसे सिचुएशन में मैं कुछ ढूंढ रहा था। मेरे एक दोस्त मिल गया लगभग 35 साल के बाद, उसने बोला कि यार एक मैं सीरियल बना रहा हूँ तो आएगा। उसको ओपलाइज करने के लिए मैं एक्टिंग करने गया था, मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। हेलो, अच्छा, हमने सुना है कि लोगों को बहुत मुश्किल करना पड़ता है, स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा। और तुम्हें तो ऑफर मिल गया? नहीं, ये ऑफर तो ऐसा था कि वो ओपलाइज किया था कि छोटा सा तुम्हें कर ले, मेरा एक्टर हो गया है तो सर 2 मिनट का थोड़ा मैंने कर लिया। वहां 2-4 लोगों से पहचान हो गई, उन्होंने बोला कि सर आपका दाल दोल थोड़ा अच्छा है और आप कर सकते हो। मैं तो घर पे जाके आईने में वापस थोड़ा ऐसा देख के मेरे साथ घर हो गया। सच में बताऊ, एक्टिंग मैं शौक से नहीं बनाता, नीड से बनाता, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत। और इसी सिलसिले में हम यानी नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्टिंग करना सबसे ज्यादा नहीं, सबसे क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे, जिसके हाथ में बांबू या लाठी उसकी भैंस। ऐसे हालत में हमने बहुत स्ट्रगल किया, फिर भी बहुत सीरियल्स की, बहुत बड़े बड़े एक्टरों से काम किया, ये किया। अब सवाल था कि ईगो, अरे ईगो आने का तो सवाल ही किधर खड़ा होता है। जब मैं नीड के लिए आ रहा था, हाँ इनकम बात में बहुत अच्छी मिलने लगी थी, वो अलग बात है, पर मेरा जो अंदर का जहन था वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही था। कहीं ना कहीं क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सिक्योरिटी मिल सकती है वो एक्टिंग में किसी हाल में नहीं मिल सकती, किसी हाल में। परिमल जा सकते थे शाहरुख खान के डायरेक्शन में, सलमान खान के डायरेक्शन में, पर इन्होंने चूज किया दूसरा डायरेक्शन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर मैं एक और बात बताना चाहूंगी, ऊपर वाला है ना आपकी कसौटी करता है, हम लोग चाहते थे कंटिन्यूटी रोल मिल जाए। बहुत सारा काम कर रहा था परिमल, लेकिन कंटिन्यूटी में ज्यादा अच्छा रिकग्निशन मिलता है और कंसिस्टेंट इनकम होती है। तो जिस दिन से वेस्टेज करने का डिसीजन लिया उसके बाद कम से कम ये बालाजी वगैरह जैसे 5 से 7 ऑफर आई, उसको कंटिन्यूटी दी। अच्छा, कंटिन्यूटी रोल के लिए मतलब एक सीरियल में लगातार आपका रोल चलता रहे, वहां से लोग पहचानते हैं। लेकिन तभी उसने बोला कि ये डिसीजन का टाइम है, ये टेम्पररी इनकम मुझे नहीं चाहिए, एक्टिव इनकम नहीं चाहिए, मुझे पैसे इनकम चाहिए और यही करेंगे। वाह, मतलब परिमल और मीना ने डिसाइड किया कि हमें ड्रीम टीम के स्टेज पर निकलना है, जो कि सेलिब्रिटी बनना है, ना कि किसी फिल्मी का हीरो बनकर सेलिब्रिटी बनना। दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, जब 1 जनवरी 2018 में हम जब डिसीजन लिया कि हम यहाँ आएंगे, वो टाइम पे मैं पुरानी कंपनी में भी बहुत अच्छे खड़े पैसे कमा रहा था, 1-1.5 लाख कभी भी इनकम आती थी और लास्ट मोमेंट तक हम फॉरेन ट्रिप जा रहे थे, यानी वहां तक इनकम तो आई रही थी और 1 लाख रुपया तो मेरे को एक्टिंग से ही जा रहा था, सब मिला के मिलजुला के 2 लाख रुपया मैं कमा रहा था। व्हेन आई डिसाइडेड टू स्विच ओवर टू वेस्टेज, अब सोचो एट द एज ऑफ 54-55 मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि मैं मुझे पता था जैसे भी वेस्टेज में जाऊंगा मेरे दोनों चीज अफेक्ट होने वाली, वहां से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा और एक्टिंग के लाइन में मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आई टू बी वेरी बिजी। पर फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम दोनों को इतना विश्वास था, इसीलिए हम वो हिम्मत वाला डिसीजन ले सके